हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर मिर्जापुर चौक दरभंगा में। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट नए रंग रूप में अशोका कॉम्प्लेक्स राजकुमारगंज दरभंगा विथ होम डिलीवरी फैसिलिटी। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर दिग्घी पश्चिम दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों का इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। आनंद बेकर्स द फाइनेस्ट बेकरी शॉप नाउ ओपेंड एट बेलवागंज लहेरिया सर्कल। ISO प्रमाणित मेट्रो IVF सेंटर बाकरगंज लहेरिया सराय दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला IVF सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन निसंतान रोग विशेषज्ञ। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद दरभंगा, रजिस्ट्रेशन आर ओपन फॉर द न्यू सेशन। ऑल माइटी पब्लिक स्कूल इमली बाजार नियर नेशनल सिनेमा दरभंगा एंड ऑल माइटी पब्लिक स्कूल जूनियर छोटी काजीपुरा दरभंगा। रविवार को आयोजित हो रहे बीएड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2019 की तैयारियां पूरी, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित, कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन के कड़े निर्देश। बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना अंतर्गत दरभंगा के 9 मदरसों में छात्रावास एवं अतिरिक्त वर्ग कक्ष का होगा निर्माण। लोकसभा आम निर्वाचन 2019 के संबंध में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी की रविवार को होगी बैठक। और कुशेश्वर स्थान में अग्नि पीड़ितों के बीच रेड क्रॉस ने बांटी जीवनोपयोगी सामग्री। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, भाव विश्वास परिवार का। ग्लोइंग एंजल्स इंग्लिश स्कूल रामबाग किला दरभंगा, CBSE करिकुलम क्लास प्लेट टू फिफ्थ को एजुकेशन एंड क्लास सिक्स टू टेंथ ओनली फॉर गर्ल्स विथ हॉस्टल फैसिलिटीज, बेस्ट इन क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर विथ स्मार्ट क्लासेस, वेल मेंटेन प्लेग्राउंड विथ इंडोर एंड आउटडोर गेम्स। टुगेदर वी अचीव द कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम, डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल सदर थाना रोड दरभंगा। अ टीम ऑफ वेल क्वालिफाइड एंड डेडिकेटेड टीचर्स विल इक्विप लाइब्रेरी, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो लैब्स, ऑल क्लासरूम्स विद ऑडियो विजुअल फैसिलिटी, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर। मूवी देखिए बिल्कुल नए और अलग अंदाज में, सेंट्रली एयर कंडीशन, 2K प्रोजेक्टर एवं वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ। मेंबर बने, घर बैठे टिकट बुक कराएं। ऑनलाइन बुकिंग के लिए chalcinema.com पर जाएं। रजनी सिनेप्लेक्स, साहिल सिनेप्लेक्स, लाइट हाउस सिनेमा लहेरिया सराय दरभंगा। आ गया आपके शहर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा असली डिज्नीलैंड मेला, जहां की ऑक्टोपस, टाराटोरा, जेंट व्हील, ड्रैगन ट्रेन, बॉल बाउंस, ब्रेक डांस, जिराफ ट्रेन, कोलंबस, जंपिंग फ्रॉग, एक्सपो हॉरर शो यानी कि भूत बंगला। यदि मेले में घूमते घूमते कुछ चटपटा खाने का मन में आए तो फिर खाने पीने की भी शानदार व्यवस्था। बनिए पत्रकार, जुड़िए हमारे साथ। न्यूज टुडे दरभंगा को आवश्यकता है विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्टर की। यदि आप में है वो जुनून, हौसला और खुद की पहचान बनाने की चाहत तो कीजिए हमें फोन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कामेश्वर नगर दरभंगा, नवम वार्षिक दीक्षांत समारोह, विज्ञप्ति संख्या कन्वोकेशन 2019। नवम वार्षिक दीक्षांत समारोह में उपाधि प्राप्त करने हेतु निर्धारित शुल्क एवं वांछित अभिलेख के साथ जो छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय ज्ञापांक कन्वोकेशन 1/200/2019 दिनांक
29-1-2019 के अनुसार अपना आवेदन पत्र जमा कर चुके हैं, उन्हें एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 9 मार्च 2019 एवं 10 मार्च 2019 को पूर्वाह्न 10:30 बजे से अपराह्न 3 बजे तक अपने विषयगत स्नातकोत्तर विभाग से प्रवेश पत्र, अंग वस्त्र एवं मालवीय पगड़ी निश्चित रूप से प्राप्त कर लेंगे। उपाधि प्राप्त करने संबंधी पूर्वाभ्यास के लिए अनिवार्य रूप से दिनांक 11 मार्च 2019 को पूर्वाह्न 11 बजे रसीद एवं प्रवेश पत्र के साथ डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में उपस्थित होंगे। साथ ही दिनांक 12 मार्च 2019 को निश्चित रूप से सुबह 8 बजे तक दीक्षांत समारोह स्थल डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में प्रवेश कर लेंगे। प्रत्येक डीलिट पीएचडी एवं स्नातकोत्तर छात्रों को सफेद कुर्ता पायजामा या धोती कुर्ता एवं छात्राओं को सफेद सलवार, लेमन येलो कुर्ता या लाल बॉर्डर के साथ लेमन येलो साड़ी तथा लाल रंग का ब्लाउज निर्धारित है, जिसे सभी प्रतिभागियों को अपने स्तर से व्यवस्था करनी होगी। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के माननीय अधिषद, अभिषद एवं विद्वत परिषद के सदस्यों से अनुरोध है कि दिनांक 12 मार्च 2019 को दीक्षांत समारोह में वे सफ़ेद रंग का शर्ट तथा गहरे रंग का पैंट अथवा सफ़ेद धोती कुर्ता या कुर्ता पायजामा में आएंगे। साथ ही दिनांक 11 मार्च 2019 को विद्वत शोभा यात्रा के पूर्वाभ्यास हेतु अपराह्न 1 बजे डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में उपस्थित होने की कृपा करेंगे। कुलपति के आदेश से कुलसचिव ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कामेश्वरनगर दरभंगा। नालंदा खुला विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित बीएड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2019 रविवार 10 मार्च को आयोजित हो रही है। इस परीक्षा के आयोजन हेतु दरभंगा जिला मुख्यालय में कुल 18 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा की अवधि 9 बजे पूर्वाह्न से 11 बजे पूर्वाह्न तक है। इस परीक्षा में भाग ले रहे परीक्षार्थियों को अपने अपने परीक्षा केंद्रों पर समय पूर्व पहुंचना होगा। परीक्षा केंद्र के मेन गेट पर सभी परीक्षार्थियों की बारीकी से जांच की जाएगी। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM ने कहा कि बीएड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पूर्ण स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त कराई जाएगी। परीक्षा में पूरी सख्ती बरती जाएगी ताकि कोई भी परीक्षार्थी कदाचार का प्रयोग करने में सफल नहीं होने पाए। सभी संबंधित केंद्राधीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि परीक्षा ड्यूटी में तैनात वीक्षकों एवं कर्मियों पर पूरी निगरानी रखी जाए। कर्मियों को हिदायत दे दिया जाए कि वे वीक्षण कार्य के दौरान अपने पास किसी भी प्रकार का मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, किताब अथवा कॉपी नहीं रखेंगे। वे समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में आयोजित परीक्षा की तैयारी हेतु समीक्षा बैठक में अधिकारियों एवं केंद्राधीक्षकों को संबोधित कर रहे थे। जिलाधिकारी ने कहा कि परीक्षा ड्यूटी में पर्याप्त संख्या में सशस्त्र बल के साथ दंडाधिकारियों को ड्यूटी में लगाया गया है, जो परीक्षा को स्वच्छ कदाचार मुक्त संपन्न कराने में अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे। उन्होंने कहा कि बीएड प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन पहली बार हो रहा है, इसलिए परीक्षा की शुचिता कायम रखी जाए। इससे पूर्व विकास आयुक्त डॉक्टर कारी प्रसाद महतो ने इस परीक्षा के आयोजन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत निर्देशों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस परीक्षा में भाग ले रहे परीक्षार्थियों को अपने साथ काली या नीली स्याही वाली बॉल पेन, प्रवेश पत्र एवं एक फोटोयुक्त पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है। इसके अलावा अन्य कोई अवांछित सामग्री परीक्षा केंद्र के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। इस बैठक में DM, DDC, ADM सहित सभी दंडाधिकारी और केंद्राधीक्षक उपस्थित थे। बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना अंतर्गत दरभंगा जिला के 9 मदरसों में छात्रावास एवं अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कराया जाएगा। जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM द्वारा 9 मदरसों में प्रस्तावित छात्रावास का निर्माण योजना को अनुशंसित कर अनुमोदन हेतु अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को भेजने हेतु सहमति प्रदान की गई है। प्रस्तावित योजनाओं में मदरसा जमहूरिया मोहिल उल उलूम अरई के प्रांगण में 3 करोड़ की लागत से मेस रीडिंग रूम सहित 50 सैया छात्रावास, G+2 का निर्माण एवं कैंपस विकास किया जाएगा। मदरसा रहमानिया अफजला सुपौल बिरौल के प्रांगण में 3,80,00,000 की लागत से 100 बेड का छात्रावास का निर्माण होगा। मदरसा फलाहुल मुस्लिमीन इजरहट्टा के प्रांगण में 6 कमरा शौचालय, प्रयोगशाला एवं रसोई घर का निर्माण कराया जाएगा। मदरसा सुभानिया सिमरा के प्रांगण में 6 कमरा शौचालय सहित निर्माण होगा। मदरसा फलाहुल मुस्लिमीन कनौर के प्रांगण में 50 बेड का छात्रावास निर्माण एवं 4 अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कराया जाएगा। मदरसा मिस बाहुल उलूम अशरफपुर दानी के प्रांगण में भवन G+1 निर्माण, मेस एवं शौचालय निर्माण कराया जाएगा। मदरसा अनवारुल उलूम कमरौल के प्रांगण में भवन, मेस एवं शौचालय निर्माण तथा बिजली एवं मिट्टी भराई कार्य कराया जाएगा। मदरसतुल बनात चंदनपट्टी के प्रांगण में कमरे का भवन, मेस एवं शौचालय, बरामदा, चार दीवारी सहित निर्माण कार्य होगा। मदरसा नूरुल इस्लाम बनात मिश्रौली के प्रांगण में पुराने कार्यालय भवन का जीर्णोद्धार, बिजली, वाटर सप्लाई एवं
मिट्टी भराई कार्य कराया जाएगा। मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना अंतर्गत उपरोक्त वर्णित मदरसों में आधारभूत संरचना के विकास हेतु जिला अनुमोदन समिति द्वारा अनुशंसा प्रदान की गई है। लोकसभा आम निर्वाचन 2019 के अवसर पर आदर्श आचार संहिता के संबंध में विचार विमर्श करने के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 10 मार्च को सुबह 11 बजे से अंबेडकर सभागार समाहरणालय परिसर दरभंगा में बैठक आयोजित होगी, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के जिलाध्यक्ष, सचिव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा के बैनर तले कुशेश्वर स्थान के अग्नि पीड़ित परिवारों के बीच बांटी गई जीवनोपयोगी सामग्री। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में पार्ट थर्ड की परीक्षा ऑनर्स जनरल और वोकेशनल पेपर 7 ग्रुप ए एंड बी बॉटनी एंड ज्योग्राफी जनरल जो 12 मार्च को प्रस्तावित थी, उस परीक्षा को फिलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है। अपरिहार्य कारणों से यह परीक्षा अब 19 मार्च 2019 को सेम सेंटर और सेम समय पर ली जाएगी। यह जानकारी कुलपति के आदेश से परीक्षा नियंत्रक ने दी है। खरीदना है फोन तो चलिए रोली मोली मोबाइल, आइए भटियारी सराय मारवाड़ी कॉलेज गेट के सामने दोनार रोड दरभंगा में। सैमसंग, ओप्पो, वीवो, एमआई, रेडमी, रियलमी, टेक्नो, माइक्रोमैक्स एवं सभी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्मार्टफोन। बजाज फाइनेंस द्वारा लोन पर पाइए फोन और हर फोन पर गिफ्ट। अपने बच्चों को बनाएं एक बेहतर इंसान, फिर मंजिल खुद आएगी उनके पास, क्योंकि हम देंगे आपका साथ। राज कोचिंग सेंटर 22 नंबर गुमती से पूरब, बलभद्रपुर, नवटोल, लहरिया सराय, दरभंगा। क्लास 1 से 10th तक की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, CBSE, ICSE एवं बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए। बेसिक नॉलेज को मजबूत करने पर खास ध्यान, विषय विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाई, फ्री एडमिशन। इंक्वायरी टाइम सुबह 10 बजे से संध्या 5 बजे तक, डायरेक्टर आनंद कुमार झा। दरभंगा में पहली बार GK और GS पढ़िए ट्रिक के माध्यम से, मिथिलांचल का गौरव, अचीवर्स पॉइंट बाय जी कुमार। सिटी कार्ट मॉल के सामने शाही कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर, बेंता, लहरिया सराय, दरभंगा। करिए तैयारी रेलवे, CRPF, ASM, TC, CC, SSC, आर्मी और बिहार पुलिस दरोगा सचिवालय सहायक के अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में। पिछले वर्ष बिहार पुलिस बैच में 21 में से 15 सफल, फ्री एडमिशन। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility, all the vehicles are enabled with GPS, rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance, regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development, no readmission charges for old students. 5 acres environment friendly campus, all classrooms are as per CBSE norms. For more details dial 7763819774, Shailendr Jha, Principal. रविवार को आयोजित हो रहे BEd संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2019 की तैयारियां पूरी, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित, कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन के कड़े निर्देश। बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना अंतर्गत दरभंगा के 9 मदरसों में छात्रावास एवं अतिरिक्त वर्ग कक्ष का होगा निर्माण। लोकसभा आम निर्वाचन 2019 के संबंध में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी की रविवार को होगी बैठक। और कुशेश्वर स्थान में अग्नि पीड़ितों के बीच रेड क्रॉस ने बांटी जीवनोपयोगी सामग्री।
राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद ने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा को 16 मार्च को नैक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने हेतु पत्र भेजा है। नैक नई दिल्ली के उपसलाहकार डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह को 7 मार्च को इस आशय का पत्र भेजा है, जिसके माध्यम से उन्होंने सूचित किया है कि 16 मार्च को इस कार्यक्रम का संचालन किया जाए तथा BN मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा के महाविद्यालयों को भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित करने हेतु पत्र लिखा जाए। ज्ञात हो कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह के निर्देश पर IQAC समन्वयक प्रोफेसर BBL दास ने इस आशय का प्रस्ताव बनाकर नैक कार्यालय को भेजा था, जिसे नैक ने स्वीकार कर इस कार्य हेतु 1.5 लाख रुपए भी स्वीकृत किए हैं। भाजपा विरोधी महागठबंधन में माले की भूमिका अहम, कहा धीरेंद्र ने। महिला, दलित और अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमले और बढ़ता अपराध सत्ता प्रायोजित, यह भी कहा माले ने। थाना में 2 नौजवानों की मौत के खिलाफ राज्यव्यापी प्रतिरोध होगा। भाकपा माले के पोलित ब्यूरो सदस्य धीरेंद्र झा ने दरभंगा में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बिहार में बन रहे भाजपा विरोधी महागठबंधन में भाकपा माले अहम किरदार है। हमारी कोशिश है कि राज्य में पिछले दिनों चले धारावाहिक जन आंदोलनों की जमीनी हकीकत, विधानसभा में दलों की उपस्थिति और सामाजिक राजनीतिक प्रभाव के आधार पर भाजपा विरोधी दलों के बीच मुकम्मल तालमेल हो। हमें भाजपा की हर कोशिश को विफल करना है और इसके लिए जरूरी है कि भाजपा को कोई मौका नहीं मिले, कहा माले नेताओं ने। नन्ही दुनिया प्ले स्कूल दरभंगा को मिला बेस्ट प्ले स्कूल का अवार्ड। कोलकाता के वैदिक विलेज में आयोजित नेशनल अचीवमेंट अवार्ड 2019 में जिला मुख्यालय दरभंगा स्थित नन्ही दुनिया प्ले स्कूल को पूरे भारतवर्ष में बेस्ट प्ले स्कूल का अवार्ड मिला है। इससे विद्यालय परिवार में हर्ष और खुशी का माहौल है, यह जिले के साथ साथ प्रदेश के लिए भी गौरव की बात है। पुरस्कार वितरण समारोह कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन ने विद्यालय की प्रशंसा के पुल बांधे। इससे संस्था के संस्थापक संजय कुमार झा एवं निदेशक नम्रता झा भाव विभोर हो गई। उन्हें ऐसा लग रहा था कि विद्यालय परिवार की मेहनत रंग लाई है। इन क्षणों को याद करते हुए वे बोल पड़े, कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पूरा विद्यालय परिवार इस सम्मान से सम्मानित है, उत्साहित है और आगे नई मुकाम हासिल करने को तैयार भी दिखता है। गृह विषयों को जन जन तक पहुंचाएं, कहा कुलपति ने। ज्योतिष विभाग में कार्यशाला का हुआ आयोजन। संस्कृत विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग में एनांस विषय पर आयोजित कार्यशाला का शनिवार को उद्घाटन करने के बाद कुलपति प्रोफेसर सर्वनारायण झा ने कहा कि ज्योतिष में ढेर सारे गूढ़ विषय हैं, जिसे इस कार्यशाला के माध्यम से सरलीकरण कर जन जन तक पहुंचाया जा सकता है। इससे एक तो आमजनों को सीधा लाभ मिलेगा और समाज में जो कुछ भ्रांतियाँ विद्यमान हैं वे भी सारी की सारी दूर हो जाएंगी। उन्होंने विषय चयन के लिए आयोजकों को धन्यवाद दिया। उक्त जानकारी देते हुए PRO निशिकांत ने बताया कि आज की कार्यशाला के आधार पुरुष राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित पूर्व कुलपति ज्योतिषाचार्य डॉ. रामचंद्र झा ने कहा कि एनांस का ज्योतिष के क्षेत्र में काफ़ी महत्व है। उन्होंने इस विषय पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मतों को बताया, साथ ही उन्होंने इसे सरल गणित के माध्यम से भी भरसक समझने का प्रयास किया। वहीं दूसरी ओर डीन ज्योतिषाचार्य डॉ. शिवकांत झा ने एनांस के महत्व पर प्रकाश डाला। बाद में विभागाध्यक्ष डॉ. हरेंद्र किशोर झा के साथ डीन डॉ. झा ने प्रतिभागियों के बीच प्रमाण पत्र बांटा। डॉ. वरुण कुमार झा के संयोजकत्व में आयोजित कार्यक्रम में मंच संचालन डॉ. विकास ने किया। अब 11 मार्च को इसी विभाग में दिग्ज्ञानम विषय पर कार्यशाला होगी, जिसके आधार पुरुष डॉ. चित्रधर झा होंगे।